तो गाइस आप सभी को गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ हम निकल चुके हैं भाई नई राइड पे। और नई राइड होने वाली है हमारी तुंगनाथ और बद्रीनाथ की, जो कि चार धामों में से एक धाम माना जाता है। और निकल चुके हैं अपने घर से और अभी डलवाते हैं भाई पेट्रोल, और अभी चल चुकी है अपनी बाइक 5 किलोमीटर। मैंने ऑलरेडी ट्रिप वगैरह सेट कर चुका हूँ, तो मेरे साथ एक प्लेन और है और आपको थोड़ी देर में मिलाता हूँ कौन है क्या है। पहले यहाँ से पेट्रोल फ्यूल अप करा लेते हैं, क्योंकि भाई अपने डेविल को भी भूख लगती है, पहले इसको खिला पिला देते हैं फिर राइड स्टार्ट करते हैं। तो पेट्रोल पंप ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से पहले टॉप अप करा लेते हैं, पूरा फुल टैंक करा देते हैं। तो गाइस डेविल ने पेट अपना लबालब भर लिया और पेट्रोल हुआ है 850 का। ठीक है चलूँ, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस फ्यूल अप हो चुका है और टायर वायर सब कुछ हमने कल ही चेक करा लिया था, तो 850 का तेल आया अपना। और अब निकलते हैं, क्योंकि सारा कैलकुलेशन लास्ट में बताऊंगा आपको कितने का तेल लगा क्या लगा। तो अब सीधा निकलते हैं भाई, अपना मेरठ वाला रूट पकड़ते हैं। और यहाँ से पहला हमारा स्टॉप होगा, डेस्टिनेशन जो होगा वो ऋषिकेश का होगा। ऋषिकेश में दो लोग और मिलेंगे अपने को, जो एक बंदा तो पहले भी राइड कर चुका है अपने साथ, तो आपसे उनको ही मिलवाऊँगा। वो अभी चलते हैं भाई दिल्ली से ऋषिकेश तक। अभी टाइम हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है 5:36, और जो मेरी वॉच है वो तो राइडिंग जैकेट के पीछे छुप चुकी है और लेट हो चुके हैं यार। हमें निकलना था 4:30 बजे, एक घंटा लेट चल रहे हैं। और ऋषिकेश हमने सोचा था पहुंच जाएंगे भाई 10 बजे तक, बट एक घंटा ऑलरेडी लेट चल रहे हैं यहाँ से। और स्पीड हम लोग यही मेंटेन करेंगे, 80-100 बजे से ज़्यादा नहीं भगाएंगे। तो गाइस सूरज चाचू भी आ चुके हैं, सनराइज़ हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है सन देखने में तो। और अभी जो है ऋषिकेश दिखा रहा है 235 किलोमीटर, और यहाँ से लगेगा अभी 4 घंटे। तो ज़्यादातर ट्राई करेंगे स्टॉप ना ही लें, सीधा चलते रहें। और अभी हम चल रहे हैं भाई बारापुला फ्लाईओवर से, और ये जाएगा अक्षरधाम वाली रोड पे सीधा। तो भाई सुबह सुबह इतना ट्रैफिक मिल रहा है ना ट्रक की वजह से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने इतनी सुबह सुबह भी इतना ट्रैफिक होगा। तो हमें थोड़ा सा और जल्दी निकलना चाहिए था 4 बजे के अप्रॉक्स। और यहाँ से मेरठ अभी 70 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से 203 किलोमीटर, और बद्रीनाथ 498 किलोमीटर है। जो मेरठ एक्सप्रेस में हम लोग पकड़ते थे वो बंद हो चुका है बाइक वगैरह के लिए, वहाँ पे 20,000 रुपये का चलान कटेगा अगर बाइक वगैरह से आप लोग जाते हो, तो हमने वो अवॉइड करा, हमने इसलिए ये वाला रूट पकड़ा है। और इस रूट में अभी दिखा रहा भाई 4 घंटे लगेंगे, और जबकि एक्सप्रेस वे पकड़ते तो हमें 3.5 घंटे दिखाता अभी। तो अभी हम लोग हैं गाज़ियाबाद में, और गाज़ियाबाद में यार इस रूट से तो बहुत बेकार हो चुका है ये रूट, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है यहाँ से, और लोग भी रोड क्रॉस ऐसे ही कर दे रहे हैं बिना देखे, कि सुबह सुबह का टाइम है इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो लोग सोच रहे हैं बाइक वाले गाड़ी वाले रुक ही जाएंगे, तो वो बिना देखे ही रोड क्रॉस कर दे रहे हैं, तो अपने को ही ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पर। फाइनली मुरादाबाद क्रॉस हो चुका है, छोटा हरिद्वार पीछे रह गया। और यहाँ पर यार काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, बट भाई अभी हम लोग सिटी के अंदर से चल रहे हैं, तो भाई काफ़ी टाइम लग रहा है अपने को। और मेरठ हरिद्वार आगे है इसी रोड पे, क्योंकि अब मेरठ के बाद ही अपने को हाईवे मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा आते हुए। फाइनली फर्स्ट टोल प्लाज़ा आ चुका है, तो ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा है, तो यहाँ पर हम लोगों को तो कुछ देना नहीं है वैसे भी, बाइक के लिए ऑलवेज़ फ्री है। अगर हम एक्सप्रेस वे पे जाते तो हमें लगता, बट बाइक से आने का यही फ़ायदा है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। पहला टोल प्लाजा क्रॉस, और मेरठ भी हो गया अब क्रॉस। तो भाई मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं, और ये वाला कट जाएगा मुजफ्फरनगर को, और अपन को तो सीधा चलना है मुजफ्फरनगर के लिए, नहीं मुड़ना। अभी दिखा रहा है 109 किलोमीटर, और हमें लगेगा भाई 2 घंटा यहाँ से अभी ऋषिकेश तक, क्योंकि जो जाम मिलता है भाई वो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में मिलता है काफ़ी जाम। काफ़ी ख़राब हो चुका है, और अभी ढाबे पे रुके हुए हैं हम लोग, और अभी ऑर्डर करा है हमने चाय और पराठा। और मेरे साथ जो आया है भाई वो देख लो कौन आया, आप लोग पहले से जानते हो,
रवि आया मेरे साथ और ये राइड हम दोनों करने वाले हैं और इसका भाई पवन वो भी राइड करने वाला हमारे साथ, वो वेट कर रहा है ऋषिकेश में। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पहले तुंगनाथ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे। पराठा आ चुका है, आलू और प्याज का पराठा मंगाया था ये, इसने तो स्टार्ट कर दिया अचार के साथ खाना। तो भाई लेके आ गए चाय, ये आ गई चाय अपनी, देख सकते हो गरम गरम, वाह। तो भाई देख सकते हो क्या गरम चाय है। तो गाइज अब निकलते हैं और हम रुके थे कन्हैया शुड ढाबा पे और रवि को देख सकते हो पीछे ट्रैवलिंग बैग पहन रखा है इसने, इतना हैवी और बैठा हुआ भाई मेरे पीछे प्लेन बन के। तो भाई सैल्यूट है रवि को, इतना भारी बैग उठा रहा है वही पीछे और फिर बैठा है। कैसे बैठ रहा है वो पता नहीं मुझे, क्योंकि भाई सीट छोटी सी है और बैठा कैसे है वो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। दर्द हो रहा है नहीं हो रहा भाई पीछे, पीछे दर्द हो रहा है नहीं हो रहा? शर्म आती है कह रहा भाई पीछे का हाल मत पूछ, शर्म आ रही है और क्या बताऊं मैं किसको बताऊं अपना दर्द। उगाला भी नहीं कर सकता दैया ने दैया। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से, ब्रेकफास्ट हो गया और अभी यहाँ से 77 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 hour 45 minutes 77 किलोमीटर है और अभी 162 चल चुके हैं, पहला स्टॉप लिया था हमने। तो चलते हैं, ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ, आगे की राइड को कंटिन्यू करते हैं। और अभी एक दो भाई मिल गए थे तो अच्छा लगता है यार, आप लोग मिलते हो रास्ते में और सेल्फी वेल्फी लेते हो। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो फाइनली हरिद्वार के बॉर्डर पे हम लोग फाइनली, आप देख सकते हो गंगा माता नीचे बह रही हैं और हम फ्लाईओवर पे हैं ऊपर, और अभी पानी का फ्लो तो कम है और पानी साफ भी लग रहा है इस टाइम पे। कल शायद हम लोग जा सकते हैं बद्रीनाथ और फिर वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। आज का जो प्लान है वही तुंगनाथ तक का है, तुंगनाथ जाएंगे दर्शन करेंगे। हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश में और ये रहा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, और पवन थोड़ा सा आगे निकल चुका है, वो निकल चुका है शिवपुरी को, क्योंकि उसने स्कूटी रेंट पे ली है तो उसने कहा स्कूटी से आऊँगा धीरे धीरे, तब तक मैं निकलता हूँ आगे तक और आगे हम कैच कर लेंगे उसे जब तक।